दिल्ली दरवाजा के पास श्री दिगंबर जैन चिकित्सालय डिस्पेंसरी में पूर्व विधायक जीतमल जैन की स्मृति में सपना एनजीओ के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में शहर विधायक संजय शर्मा एवं सभापति घनश्याम गुर्जर और जैन समाज के सभी अध्यक्षों की उपस्थिति रही। इस शिविर में चिन्हित मरीजों का फेको विधि द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। मरीजों को चश्मा और दवाइयां मुफ्त दी गई। इसी श्रृंखला के तहत चिकित्सा शिविर लगाया गया जिसमें 184 मरीजों को इलाज दिया गया, जिसके अंतर्गत जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, नेत्र रोग तथा दंत रोग का इलाज मुफ्त किया गया। इस शिविर के संयोजक सुरेश चैन ने बताया कि शिविर में आंखों की जांच कर मरीजों को चश्मे सहित दवाई वितरण की गई। इसके अलावा यह चिकित्सा शिविर 2 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है जिसमें करीब 250 मरीज शिविर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि आंखों का ऑपरेशन के मरीजों को चिन्हित कर लिया है। उनकी आंखों का ऑपरेशन फेको विधि रूप में किया जाएगा। आंखों का ऑपरेशन विजय मंदिर रोड स्थित महात्मा गांधी नेत्र हॉस्पिटल में किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है जिसमें करीब करीब 250 मरीज अब तक आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे इस चिकित्सा शिविर में 350 से 400 मरीज आएंगे जिसमें उनका आंखों का ऑपरेशन फेको विधि द्वारा निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें उनसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज सबों की आंखों की निःशुल्क जांचें की जा रही हैं और चिन्हित मरीजों का कल की तारीख में आंखों का ऑपरेशन फेको विधि द्वारा किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? विजय मंदिर रोड पे महात्मा गांधी नेत्रालय में। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश जैन, शिविर संयोजक